हमारा कोऑर्डिनेशन सही है, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है। जो जो हरकतें ये लेना चाहता है वो लेगा, जो मैं गाना चाहता हूँ वो मैं गाऊंगा। मत सुनियो नैनों की मत मानियो रे, नैनों की मत सुनियो, नैनों की मत सुनियो रे। नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे नैना ठग लेंगे। जगते जादू फूकेंगे रे, जगते जगते जादू, जगते जादू फूकेंगे रे, नींद बंजर कर देंगे। नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे नैना ठग लेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अतवाड़े जी नैना है, मैनू ठग गया जी, थैंक यू। ये गाना मुझे आप लोगों से फिर से सीखना पड़ेगा। सबसे पहले कमेंट था अर्जुन आएगा कि अभी लग रहा है तुमसे सीखना पड़ेगा मुझे आके ये गाना। हम लोग ने ना एक्चुअली सब डांस डांस करके अपना परफॉर्म सावन है
So proud of you, Devinder. So proud of you. मैं जितनी तुम्हारी तारीफ करूंगा मैं. Thank you. Devinder, you are so sweet. You are so talented. फिर हम दोनों कहेंगे जो बोले सो निहाल. सत श्री अकाल. बस और कुछ नहीं कहना इसके आगे. God bless you. Fantastic, Devinder. Thank you. Devinder जी, कैसे हैं आप? Nervous हैं? गाने में तो लगा नहीं. आप बहुत दिल से बहुत अच्छे से गा रहे थे. प्रोजेक्शन थोड़ा बेटर हो सकता है क्योंकि मुझे गाना शुरू से लेकर आखिर तक वॉल्यूम वाइज एक ही लगा. थोड़ा ऊपर नीचे हो तो मज़ा आ जाए क्योंकि आपकी आवाज़ में बहुत एक्सप्रेशन है. बाकी आप बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा गा सकते हैं. मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं. ठीक है. ओके, ऑल द बेस्ट. मुझे तो बहुत अच्छा लगा यार देवेंद्र, कमाल लगा गाना. प्लीज़ गिव हिम अ बिग हैंड एवरीबॉडी. जब आपने सुर लगाया मुझे कुछ हो गया, मेरे रोटे खड़े हो गए. थैंक यू सर. और मुझे लगता है कि आप सीधे वहां जा रहे हो. थैंक यू सरदार जी. मुझे सरदार जी कहना बहुत अच्छा लगता है. सरदार जी, आपको मैं आज एक बात बताती हूँ कि हमारा घर ऐसा है पेडर रोड पे कि ये मेरा फ्लैट है और ये हमारी बड़ी दीदी का फ्लैट है. और हम लोग क्या करते हैं, जब कभी सुबह चाय पीने के लिए या कभी रात को सोने से पहले मैं जाके दीदी के पास बैठती हूँ. मुझे मेरी बड़ी दीदी ने कहा उसकी आवाज़ में, आशा वो जो छोटा सरदार है वो टेरिफिक गाता है. थैंक यू. थैंक यू. मैंने जानबूझ के उसको बोला, क्या बोल रही, कौन सा सरदार? वो जो एक सरदार है, मैंने पहले दिन सुना और पहले दिन उसके घर का सुन के कहा ये सिंगर है. थैंक यू मैम. थैंक यू. थैंक यू. तो ये बड़ी जिम्मेवारी आपके ऊपर आई है कि आज जो आपने गाया वो हमारी बड़ी दीदी सुन रही हैं. मैम बड़ी दीदी का सच्चे बड़ी दीदी कौन है मालूम आपको? लता मंगेशकर. ओह मैम, मेरे पैर कांपने लगे. मेरी बलन बलन बहुत बहुत मुबारक हो. सरदार जी, इससे पहले कि हम आपसे कुछ भी बात करें, आपको वाकई कोई अंदाजा नहीं था कि आशा जी जिनकी बात कर रही है वो लता दीदी थी? नहीं, मैं मुझे ऐसा लगा कि इनके पड़ोसी कोई होंगे. अच्छा यार सरदार जी, मुझे एक बात बताओ यार, आज आपको यहाँ पर हमारे चार जजेस से कमेंट्स मिले ही मिले, लेकिन लता जी के भी कमेंट्स आपको मिले, कैसा लग रहा है? बयान नहीं कर सकता. नहीं नहीं, बयान करो आप. ये भी सुन रही है बयान वो? बयान करो, वो सुन रही है. हाँ. पहले तो हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है कि लता मंगेशकर जी ये शो देख रही है और इतनी दिलचस्पी ला रही है, एंड इट्स रियली अ बिग थिंग, सो लेट्स गिव इट अप फॉर दैट. आप हमारे बड़ी दीदी मतलब लता मंगेशकर जी के लिए कह दीजिए कुछ. मैम एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप म्यूजिक के भगवान हो, तो आपने मुझे लाइक किया है तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है. बहुत बहुत थैंक्स आपका. मेरे घर वाले, मेरे उस्ताद जी सभी बहुत खुश होंगे. थैंक्स. फैंटास्टिक. जोरदार तालियां हो जाए हमारे अपने संत देवेंद्र के लिए. वेल डन देवेंद्र, मुबारक हो. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.